इधर अनूपपुर के अमरकंटक में इस साल नर्मदा जयंती पूर्ण भव्यता के साथ मनाई जाएगी। अमरकंटक में 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में पारंपरिक कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार कैलाश खेर और मैथिली ठाकुर सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। साथ ही स्थानीय जनजाति समूह द्वारा मनोरंजक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। महोत्सव की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया और इस बार नर्मदा जयंती को नर्मदा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मां नर्मदा की जयंती को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को समर्पित किया गया है। 1 फरवरी को सभी कार्यक्रम बेटियों को समर्पित होंगे। वहीं कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। जो 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव मनाया जा रहा है तो हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुरूप हम लोग 1 फरवरी को नर्मदा जयंती के अवसर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में इस दिवस को मनाएंगे और हम इसमें 2100 से अधिक कन्याओं का कन्या भोज करवाएंगे और साथ ही इसमें महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगे। आद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माँ नर्मदा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं पूरे देश प्रदेश और देशवासियों को यह मैं बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष माँ नर्मदा की जयंती भव्य और दिव्य तरीके से किया जा रहा है। 31 जनवरी 2020 से 1-2 फरवरी 2020 तक अमर पवित्र नगरी अमरकंटक में आयोजित है। आप सभी से अनुरोध है कि अधिकाधिक संख्या में पहुंच करके मां नर्मदा जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। 31 जनवरी 2020 से लेकर 2 फरवरी 2020 तक 3 दिवस का अमरकंटक नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है अमरकंटक में, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर कार्यक्रम करने आएंगी। मैथिली ठाकुर कैलाश खेर की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, यहाँ के आदिवासी जनजातीय समाज के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां होंगी। भव्य 108 कुंडी हवन होगा, बहुत बड़ा भव्य कन्या भोज का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन संध्या को मां नर्मदा जी की आरती की जाएगी। एक भव्य सांस्कृतिक आध्यात्मिक और पर्यावरण के छत्रछाया में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सभी से अपील करूंगा इसकी।